चुका है धीरे धीरे, भैया पैसा गिनने हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बारिक। सो अब जाने वाले हैं हम लोग बारिक और दिखाते हैं। साता साता खा के आ चुके हैं और अभी यहाँ पे हम लोग कुछ इन्जॉय करने वाले हैं। देख लीजिए, ये मेरे पीछे आपको ये खंडर दिख रहा होगा। यहाँ पे फ़ोटो शूट वूट करने के लिए ये लोकेशन बहुत ही गुड है। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नखलाऊ खाने पीने के मामले में बहुत ही फेमस है। यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है और यहाँ का इतर भी बहुत ही फेमस है। और आपको रूमी गेट नखलाऊ में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं आप लोगों को। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको यहाँ ओला कैब बस हर चीज़ की यहाँ सुविधा रहती है। बट यहाँ पे गर्मी में आप लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बहुत तगड़ी गर्मी होती है और ठंडी भी यहाँ पे बहुत होती है। तो यहाँ ठंडी गर्मी दोनों पड़ती हैं यहाँ पे। तो आपको ठंडी ठंडे ही सीज़न में आना चाहिए यहाँ। अगर आप लोग भी नखलाऊ आने वाले हैं तो आप लोग भूल भुलैया रूमी गेट ज़रूर है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो भूल भुलैया है, भूल भुलैया के जस्ट बगल में ही आपको रूमी गेट भी देखने को मिले। बहुत से लोग सोचते होंगे कि भूल भुलैया अलग है, रूमी गेट अलग है। सो गाइस, आप लोग गलत सोच रहे हैं। भूल भुलैया, रूमी गेट, घंटाघर, ये सब एक ही जगह पे स्थित है नखलाऊ में। सो आप लोग अगर आ रहे हैं तो आप लोग एक दिन में ही ये सारी जगह पे घूम सकते हैं। तो रॉयल कैफ़े नाम से चाट, तो ये नखलाऊ का बहुत ही फेमस चाट है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते रहते हैं, तो आप लोग भी वहाँ पे जाइए। आइए गाइस, ये बास्केट चाट, इनकी जो है इनकी दुकान ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं इनकी दुकान को खोले हुए। ये बहुत ही पुराने आदमी और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आइए। आप स्टेशन पे उतरेंगे नखलाऊ के, वहाँ से आप रूमी गेट के लिए कैब भी कर सकते हैं। नखलाऊ के होटल आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाते हैं, 1200, 1300, 800 इसी रेंज में आपको यहाँ नखलाऊ में होटल बुक कर सकते हैं। आप बहुत ही चीप। नखलाऊ की जो सबसे फेमस मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, अमीनाबाद मार्केट है उसका नाम। सो अमीनाबाद आप लोग आइए, बहुत बड़ी मार्केट है नखलाऊ की, बहुत ही फेमस मार्केट है अमीनाबाद। तो अब हम लोग जाने वाले हैं घर और अब हम लोग इंजॉय कर चुके हैं और देखते हैं घर। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देखने वाले हैं, ये मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। सो देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। और अभी हम लोग यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आए थे, बट यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैंने सोचा अब यहाँ से हम लोग को घर जाना चाहिए। और अभी कोई पारिक आरिक खुली नहीं है इतनी समय कि मैं वहाँ पे पारिक पे जा सकूँ, कैप्चर कर सकूँ वीडियो आप लोगों के लिए। सो पारिक आरिक खुल जाएगी फिर मैं